नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। इसके प्रयास के तहत हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न डेली लेकर आते हैं, जिसमें से आज से हम 10वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स पर लिखकर दे सकते हैं, साथ ही अगले सेगमेंट में हम उसका आंसर और उसकी व्याख्या भी आपको बताएंगे। आज का पहला प्रश्न है, पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब के पवित्र गुरुद्वारे में प्रतिदिन लगभग कितने लोगों को प्रवेश देने पर सहमति व्यक्त की है। ऑप्शन नंबर ए है 2000, ऑप्शन नंबर बी है 4000, ऑप्शन सी है 5000 और ऑप्शन डी है 6000। तो दोस्तों, ये बहुत ही चर्चित मुद्दा है करतारपुर साहिब के लिए जो गलियारा खोला गया है पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5000 लोगों को प्रवेश देने पर सहमति व्यक्त की है पाकिस्तान ने। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई दूसरी औपचारिक वार्ता में पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब के पवित्र गुरुद्वारे में भारतीय तीर्थ यात्रियों को एक वर्ष की अवधि में प्रतिदिन यानी कि डेली बेस पर लगभग 5000 लोगों को एंट्री देने की अनुमति प्रदान की है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब के पवित्र गुरुद्वारे की दूसरी औपचारिक चर्चा बाघा में सम्पन्न हुई। पाकिस्तान भारतीय पासपोर्ट धारकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड धारकों के लिए सप्ताह में 7 दिन वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने पर सहमत हुआ है। 5000 तीर्थयात्रियों को वर्ष भर प्रतिदिन करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने की अनुमति दी जाएगी। तीर्थयात्रियों को व्यक्तियों या समूहों में और पैदल भी यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई है। तीर्थयात्रियों के लिए लंगर एवं प्रसाद के निर्माण एवं वितरण की व्यवस्था भी की गई है। अगला सवाल है दूसरा, आर्किड की पहली व्यापक जनगणना के अनुसार भारत में आर्किड की कुल कितनी प्रजातियां हैं। ऑप्शन ए है 835, ऑप्शन बी है 950, ऑप्शन सी है 1256 और ऑप्शन डी है 1450। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1256 प्रकार की आर्किड की प्रजातियां पाई गई हैं हाल ही में जो व्यापक जनगणना हुई है भारत में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा ये जनगणना की गई है। पहली बार व्यापक जनगणना के अनुसार भारत में आर्किड प्रजाति की कुल संख्या 1256 पाई गई है। आपको बता दें कि आर्किड परिवार को साइट्स के कंजर्वेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है और इसलिए किसी भी जंगली आर्किड के विश्व स्तर पर व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अनुसार आर्किड की 1256 प्रजातियां 155 वंश से हैं, जिसमें लगभग 388 प्रजातियां भारत के लिए स्थानिक है यानी लोकल लेवल पे 388 प्रजातियां भारत के लिए हैं। आर्किड को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है यानी कि क्लासिफाई किया गया है। 3 प्रकारों में से पहला प्रकार है एपीफाइटिस, दूसरा है स्थली यानी टेरेस्ट्रियल और तीसरा है माइकोहेट्रोट्रॉफिक। भारत में पाई जाने वाली आर्किड की लगभग 60% जो प्रजातियां हैं उनमें से 445 प्रजातियां एपीफाइटिक और 44 स्थली यानी कि टेरेस्ट्रियल तथा 43 माइक्रो हाइड्रोट्रॉफिक है। तीसरा सवाल है, निम्न में से किस देश ने भारत के लिए अपना वायु क्षेत्र खोलने हेतु भारत को अपने एयर बेस से लड़ाकू विमानों को हटाने की शर्त रखी है, कंडीशन रखी है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान ने यह शर्त रखी है भारत के लिए कि वो तभी अपना वायु क्षेत्र खोलने की अनुमति देगा जब भारत अपने एयरबेस से लड़ाकू विमानों को हटाएगा। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान से अपना वायु क्षेत्र खोलने के लिए आधिकारिक रूप से आग्रह किया था। इसके एवज में पाकिस्तान ने भारत से अपने अग्रिम एयरबेस से लड़ाकू विमानों को हटाने की शर्त रखी है। ज्ञात हो कि भारत की एयर स्ट्राइक के पश्चात पाकिस्तान ने भारत की वायु सेवा कंपनियों के लिए अपने वायु क्षेत्र को बंद कर दिया था यानी कि प्रतिबंधित कर दिया था। चौथा सवाल है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस सागर में लगभग 1/3 यानी कि 1/3 सार्क एवं रे ये मछलियों की प्रजातियाँ हैं, मछलियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक सागर और ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमध्य सागर मेरिडियन। सही, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा यानी कि WWF जिसे बोलते हैं,
उसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भूमध्य सागर में आधे से अधिक सार्क एवं रे मछलियों की प्रजातियां खतरे में हैं, जिनमें से लगभग एक तिहाई यानी 1/3 विलुप्त की कगार पर है। पर्यावरण संरक्षणविदों ने सार्क के विलुप्त होने के लिए भूमध्य सागर में प्लास्टिक प्रदूषण की अधिकता तथा अधिक मात्रा में इनके शिकार को जिम्मेदार ठहराया है। यानी कि इन दोनों मछलियों के विलुप्ति के जो मेन कारण है, उस रिपोर्ट में बताया गया कि प्लास्टिक प्रदूषण तथा इनका अंधाधुंध शिकार किया जाना इसमें शामिल है, इनकी विलुप्ति का कारण है। पांचवा सवाल है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है आचार्य देवव्रत, ऑप्शन बी है तथागत राय, ऑप्शन सी है पद्मनाथ आचार्य और ऑप्शन डी है कलराज मिश्र। तो दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल कलराज मिश्र जी को नियुक्त किया है। आपको बता दें कि आर्टिकल अनुच्छेद 155, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 है, उसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करें। राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसी के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल कलराज मिश्र को नियुक्त किया है और आचार्य देवव्रत को, जो हिमाचल प्रदेश के तात्कालिक यानी कि अभी तक जो वो थे राज्यपाल थे, उनको स्थानांतरित कर दिया गया है। गुजरात के राज्यपाल के रूप में उनको अब नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, HM इरशाद, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के पूर्व तानाशाह थे? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो ये HM इरशाद जो हाल ही में निधन हुआ है, वो थे बांग्लादेश के पूर्व तानाशाह, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं हुसैन मोहम्मद इरशाद का हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व सेना प्रमुख इरशाद ने 1982 में एक रक्तहीन तख्ता पलट में राज्य की सत्ता संभाली थी। सातवां सवाल है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को USA क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सैयद किरमानी, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है सुनील गावस्कर और डी ऑप्शन है किरण मोरे। तो USA क्रिकेट टीम का जो अभी अंतरिम कोच नियुक्त किया गया है, वो किया गया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि किरण मोरे। किरण मोरे पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, भारत के पूर्व विकेटकीपर और बल्लेबाज किरण मोरे संयुक्त राज्य अमेरिका USA के क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह मुख्य कोच पबुडू दासा नायके का स्थान लेंगे। विदित हो कि किरण मोरे को जून 2019 में USA के क्रिकेट निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। आठवां सवाल है, केंद्र सरकार ने लेबर रूम और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन सी पहल शुरू की है? उस इनिशिएटिव का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राहत, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्य, ऑप्शन सी है नवजीवन और ऑप्शन डी है किरण। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लेबर रूम और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर की देखभाल और गुणवत्ता सुधार हेतु जो इनिशिएटिव लिया है, उसका नाम है दोस्तों लक्ष्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। केंद्र सरकार ने लेबर रूम और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव इसका नाम है, इस टाइप की इनिशिएटिव प्रारंभ की है। यह इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम अवधि पर एक केंद्रित बहुआयामी दृष्टिकोण पर आधारित है। नवा सवाल है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल IFFI जिसे बोलते हैं IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का स्वर्ण जयंती संस्करण कहाँ आयोजित किया गया जाएगा? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो दोस्तों IFFI का स्वर्ण जयंती संस्करण जो आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा गोवा में, यानी कि सही आंसर इसका आंसर नंबर वन। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का स्वर्ण जयंती संस्करण 20 नवंबर से 28 नवंबर 2019 तक पणजी गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस संस्करण में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए एक अलग से प्रदर्शनी भी आयोजित किया जाएगा। दोस्तों जो दसवां सवाल होगा उसका आंसर मैं आज नहीं बताऊंगा, उसके आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स पर
कमेंट करके बताएं। अगले सेगमेंट में उसका आंसर और आप व्याख्या उसकी अभी देख सकते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्ण न्यायाधीश को सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये आपका आज का सवाल है। इसके ऑप्शन ए है ए के सिकरी, बी है अल्तमस कबीर, ऑप्शन सी है एस चंद्रमौली और ऑप्शन डी है एच एल दत्तू। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स पर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, साथ ही साथ हमारे इम्प्रूवमेंट आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारी टीम को आपके कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारे सुधार करने का मौका मिल सकता है। तो अगर कोई सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखे करें। आपके सफल भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।